मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज दीपक गर्ग, योर साइंस टीचर. टुडे आई विल टीच यू साइंस. चैप्टर हमारा 5 स्टार्ट हो चुका था, उसके सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं. चैप्टर नेम है हमारा अम्लक्षारक और लवण. आज हम चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे. थर्ड पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं, इसका सूत्र है हमारा HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल, जल का क्या है H2O प्लस ऊष्मा. अब चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा या ठंडा, ये देखना है हमें. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक 5.4, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण. उदासीनीकरण किससे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, जहां अम्ल और क्षारक को उदासीन करके जो मिलता है वो हमारा होता है लवण. उदासीनीकरण के कुछ एग्जाम्पल हमें देने हैं. नंबर 1 होता है हमारा अपाचन. अपाचन मीन्स क्या, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये भोजन के पाचन में हमारी हेल्प करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है. कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है. अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, और ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन भी कर देता है. नेक्स्ट होता है हमारा चींटी का डंक. आपने देखा होगा जब हमें चींटी काटती है तो त्वचा में क्या करती है, अपना अम्लीय द्रव वहां डाल देती है. डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोंडा, जो खाने वाला सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, या कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है. नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक मृदा उपचार. रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है. यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय होती है तो पादपों की वृद्धि अच्छे से नहीं होती है. जब मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है. यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं. जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं. आपने देखा होगा कारखानों को जो अपशिष्ट होता है, वेस्टेज होता है, अनेक कारखानों में उस गार्बेज में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं. यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दे जाता है, कई बार होता है ना कि पांच चलते हुए पानी में बहा दे देते हैं गंदे कचरे को, कूड़े को, अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि जो उसमें कूड़ा कचरा बह करके गया, वो जो छोटी छोटी जीव जो पानी के अंदर रहते हैं वो उसको निकल भी जाते हैं. अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है. ये तो सभी को अच्छे से लर्न हो गया होगा. अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, उनका स्पर्श कैसा होता है, साबुन जैसा होता है, एग्जाम्पल हमारा खाने वाला सोडा. अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं. और अम्लीय कौन से होते थे, वे पदार्थ जो न क्षारकीय होते हैं और न अम्लीय होते हैं, वो हमारे उदासीन कहलाते हैं. अब ऐसे पदार्थ जिनका विलयन अम्लीय क्षारकीय और उदासीन विलयन के में विभिन्न रंग को दर्शाते हैं, वे हमारे कहलाते हैं सूचक. अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं. लवण अम्लीय क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के भी हो सकते हैं.
आई थिंक सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर को समझने के लिए आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है और बुक से स्टडी करनी है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट रन पर आपको हम इस चैप्टर के नोट सेंड करेंगे। सभी को सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में वर्क करना है। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे हेल्दी।